कुल्लू जिला के अटल सदन में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि आत्माराम शर्मा को कुलवी टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश भर के सैकड़ों पेंशनरों ने समारोह में शिरकत की। इस राज्य स्तरीय समारोह में पेंशनरों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की और प्रदेश सरकार से विभिन्न मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। हमारी जी बहुत सी लंबित है। एक तो हमारा जो 5-10-15% है, ये हमारा जो मुद्दा है ये पंजाब के तर्ज पर है, ये बेसिक पेंशन की हम मांग करते हैं। पर माननीय मुख्यमंत्री ने जो है अभी हमें जो पीछे JCC की मीटिंग है उसमें भत्ता दिया है, ये मांग हमारी कंटिन्यू करेगी कि हमारे को एडिशनल पेंशन चाहिए बेसिक पेंशन में। इसके अलावा जो 16 के बाद के जितने भी पेंशनर हैं उनको एक मुश्त, हमारी मांग तो है कि एक मुश्त उनको एरियर दिया जाए। लाखों का एरियर है, ग्रेजुटी है, लीव एनकैशमेंट का डिफरेंस है और अन्य जो बाकी उनके ड्यूज है वो है, एक मुश्त दिए जाए। पर माननीय मुख्यमंत्री ने 20% की घोषणा की है, फिर भी हम ये अनुरोध करते हैं कि ये 20% की है पर ये त्योहारी सीजन से पहले और 20% की और करे, एटलीस्ट 40% तो अभी हमारे को ये दे ही दे। 2016 के बाद के जो पेंशनर है, जो 2016 से पहले के पेंशनर है, मैंने बोला उनको भी ये दी जाए। और ये जो इसमें से IR की कटौती की जा रही है, क्योंकि कई पेंशनर है उनको कुछ भी नहीं मिलना, क्योंकि 20% की घोषणा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हमें देने के लिए और 21% ऑलरेडी IR है जो हमारे को मिल चुका है, पैसा ये हमारा है, ड्यू है, IR बाद में कटौती की जाए और बढ़ोतरी की जाए हमारी 20% से 40% की जाए। हमारी करते हैं कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है, दशहरे आने वाला है, दिवाली आने वाली, महंगाई भत्ते की जो किस्त हमारी ड्यू है 1-3% है और सेंटर ने तो 4% भी दे दी है, हमारे को एक मुश्त 7% ADA की किस्त को जो है वो त्योहारों के सीजन से पहले ही जो है उसकी घोषणा कर दे और पेंशनर और कर्मचारियों को वो जो है वो किस्त अदा की जाए। टीटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।